रखना, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, या भगवान की कथा में जाओ, संकीर्तन में जाओ, आपका मुख गंदे पानी से गंदा नहीं होना चाहिए, ना आपके मुख में से गाली, अपशब्द, ताने कुछ ना निकले। हम सहज बनकर क्यों नहीं जाते? 100% मनुष्य हैं, 100% लोग रहते हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते कि भगवान कोई होता है, या हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हमें परमात्मा से मतलब नहीं, हमें अभिषेक पूजन से मतलब नहीं, जो परमात्मा को ही नहीं मानता। 25% ऐसे हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ नहीं जाते। 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हाँ, देखा जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है। तो 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे परमात्मा की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, और एक दूसरे की और माता पिता की निंदा में भी लगे रहते हैं। बचे 25%, और जो 25% बचे हैं वो ये अलवर की कथा में दिख रहे हैं। बस समझ लो कि आपकी भक्ति कितनी है, और उन 25% जो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो 25% बचे हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो 25% बचे हैं जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो 25% बचे हैं परमात्मा के नाम में लगे हैं, जो 25% बचे हैं वो भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, जो 25% बचे हैं वो धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने वेद पुराण को मानते हैं, अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन 25% को भी कहीं ना कहीं, हम उन 25% को भी ये विचार कर रहे हैं कि ये ठीक रह लें, तो हम उनको भी विचार कर कर कि उन पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव कर दें, ऐसा दबाव बना दें, 25% भी और कटते चले जाएं। क्या मतलब? भक्ति में जोड़ो लोगों को। संसार में आए हो ना, इस शरीर की सदुपयोगता जानिएगा। हमारे घर में हम जो भी शिवलिंग का स्मरण करते हैं, आप लोग 15 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है, 13, कल का दिन बीच में छूटेगा 14, और 15 तारीख को, 15 जुलाई को रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन शिवजी का जो अभिषेक होगा, उस अभिषेक में आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना, थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में, हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए, बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर उसकी हम आराधना कर। कितना सुंदर कहा, घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा होते चले जाए, और छोटा और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का। अंजू रानी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटोदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। गुरु जी, मैं बाबा की वर्णन क्या करूँ, 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया, पर गुरुदेव आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए, फिर वापिस 2022 में
फिर चुनाव का क्रम रहा। और गुरुदेव, मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव, आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव। 12 महीने आप अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमीपत्र, 1 शमीपत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखिर अक्षत से डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाए। फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाए। उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर, रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा कभी संपदा,